बताओ वो जड़ चित्रों के लिए तो बनाया बताया ना है? भारत का चित्र है, भारत सबसे ऊंचा है या सबसे नीचा है? ऊंचा। तो ऊंचे को ऊंचाई करके दिखाना है या छोटा करके दिखाना है? जितने भी देश हैं दुनिया में उनमें सबसे जास्ती कौन से देश की महिमा है? भारत के उत्थान पतन की कहानी है, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। दोनों को लागू होता है, मतलब जड़ चित्र को भी लागू होता है और चैतन्य को भी लागू होता है। दुनिया में असली सत्यता चैतन्य चित्र जब ट्रांसलाइट के बनेंगे तो होगी या सिर्फ जड़ चित्रों से होगी? जो बच्चा बुद्धि होते हैं वो चित्रों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जो सालिम बुद्धि होते हैं वो चित्रों से समझते हैं क्या? जड़ चित्रों की तो जैसे उनको दरकार ही नहीं। और चैतन्य जब जब चित्र बनेंगे तो फटाफट लोग समझते जाएंगे, समझाने की भी जाती दरकार नहीं रहेगी। समय तो समझाने की समय भी नहीं होगा। नेहरू जी के पीछे लोग बहुत गालियां भी देने वाले थे, लेकिन जब नेहरू जी सामने आकर के भाषण देते थे तो उनके कक्ष में हो जाते थे। किस बात की कमाल है? वाइब्रेशन की कमाल है। सात्विक आत्मा बनती है तो बहुत उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। और सप्तम लागी बाल मन से देर नहीं लगती। आया है मधुबन में रहने वाली सरेंडर बहने भी रोज चार्ट लिखें क्या? है इतना है क्या? मधुबन है शीश महल, गाय का महल है शीश महल। शीश महल माने क्या? शीशे का महल है, में कोई कुछ भी करेगा छिपा हुआ नहीं रह सकता। कोई लिखे या न लिखे बाप के पास तो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि बाप है सबसे बड़ा आरती, सबसे बड़ा शीशा। सरसब्ज माना हरा भरा। सारा दिन खाते ही खाते रहेंगे तो डॉक्टर लोग वैद्य लोग क्या नियम बताते हैं? सारा दिन खाने के लिए कहते हैं या टाइम टाइम खाना चाहिए? खाने की भी जैसे हवस लग जाती है। और
फल त्याग के लिए कहते हैं। योगी एक बार, भोगी दो बार और रोगी अनेक बार। अगर सारा दिन में एक बार भी लेंगे तो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? और ज्यादा खाने वाले बीमार पड़ते हैं या कम खाने वाले ज्यादा बीमार पड़ते हैं? आजकल खाने वाले ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। भूख से मरने वालों की जनसंख्या तो बहुत थोड़ी है। माता जी पूछ रही है, वो शूर संहार मुर्दा के लिए बोलते हैं, शूर संहार करके वो मुर्दा नहीं आत्म गमीना काशी के क्या कहते हैं मनाते काशी को सुबह किए उसके लिए वो तो दीपावली का वर्णन 7 दिन का वर्णन बहुत उसका पूजा होते है तमिलनाडु पूरा तो पूजा होते है वो मुर्गा को तो मुर्गा बोलते है वो 6 मुखों वाला है। ऐसे ये तो दुमुहा है, दो मुंह से बात करता है, दो तरह की बात करता है। लेकिन कार्तिकेय तो कितने मुख है? 6 मुख। जो मुख्य मुख्य धर्म है मठ पंथों को छोड़ दिया जाए तो 6 ही मुख्य धर्म है जो विदर्भियों की लिस्ट में है। तो शंकर जी को जो विश्व पिता है उनको 2 प्रकार के पुत्र हैं। एक है देवताओं का मुखिया गणेश और दूसरा है कार्तिकेय। इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन मुस्लिम सन्यासी और सिख ये 6 धर्मों का मुखिया 6 मुखों से बात करता है। जितने भी विदेशी हैं वो स्वदेशियों के मुकाबले ज्यादा समझदार हैं या कम समझदार हैं? ज्यादा समझदार हैं। ये बाप को जल्दी पहचान लेते हैं, बुद्धि के तीखे हैं, परंतु जल्दी पहचानने के बावजूद भी जल्दी का काम शैतान का कहा जाता है। पूरा नहीं पहचान पाते, जैसे मुर्गा सवेरे सवेरे जल्दी उठता है और बांग लगा के सबको जगा देता है, फिर बाद में खुद सो जाता है। तो ऐसे ही कार्तिकेय का पार्ट है। एडवांस ज्ञान की शुरुआत में शिव का डमरू डमडम बाजे, अगम निगम के भेद खोले, ऐसे पत्ते ढेर के ढेर बना करके चारों तरफ गजगोर कर देता है ज्ञान की और बाद में खुद सो जाता है। उसकी यादगार मनाई जाती है भक्ति मार्ग में। और कोई पूछा मुक्ति से लूट के लिए महाराजा बनते हैं कैसे? यथा राजा तथा प्रजा।
हाँ जो भी होते हैं वो सब ऊंची स्टेज वाले होते हैं। इक्कीस जन्म की सुख शांति बाप के पास होती है। बाकी असली रजत तो द्वापर कलयुग में आता है। सत्युग त्रेता में तो कोई देखने वाला नहीं, समझने वाला नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं। हिस्ट्री कहाँ की बनती है? द्वापर कलयुग की बनती है। यहाँ ऊंचे और नीचे हो जाता है। अभी जो कार्तिकेय का शूटिंग था ना, वो 76 से यही थी दिल्ली में उस समय। उस समय नहीं है, उस समय भी भारतवासी कुंभकर्ण अभी भी सो रहे हैं या जाग गए हैं? अभी भी सोए हुए हैं। और भगवत पार्टी की शुरुआत कर रहा ना, इसलिए धर्म जी के बीच का समय का बात है। हाँ जी हाँ, पैदाइश है जो इतने सब दक्षिण भारत में बैठे हुए हैं और उत्तर भारत के अभी भी सो रहे हैं। खुद सो गया और बहुतों को जगाई दिया। उत्तर भारत में भी थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा जगाई। हाँ बोला तो है, यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। हर स्टेट में हर मातृभाषा है, जिसको जिसका मातृभाषा ही हिंदी है वो कौन सा स्टेट है? जो एग्जाम्पल है गुजरात में गुजराती भाषा। उत्तर भारत में यूपी है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, वो सबकी भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। हरियाणा है और बाबा त्रेता की अंत में अर्धविनाश कहा जाते हैं ना। हाँ जी, वहाँ तो 8-10 करोड़ की संख्या रहता है। हाँ जी, तो त्रेता के अंत में विनाश होने के लिए वहाँ कोई माया के वश होकर पाप तो नहीं करता है, फिर विनाश क्यों होता है? जब देवताएं बाम मार्ग में गए तब विनाश हुआ। तो द्वापर में जाता है ना? हाँ, द्वापर जैसे ही बाम मार्ग में जाते हैं देवताएं, मतलब द्वापर का वाइब्रेशन त्रेता के अंत में ही आ जाता है। आ जाता है, ढेर की ढेर आत्माएं दूसरे धर्म की उतर पड़ती है। तो वहाँ तो देर प्राण नष्ट भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, प्राण नष्ट नहीं होते, प्राण माने आत्मा। उस समय भी तो जो सत्य रहता है वो बच जाता है। उस समय भी जो सत्य है वो बचते हैं। द्वापर की शुरू जब आत्मा ही आधी कलाओं वाली रह गई तो तत्व में भी आधी सात्विकता रह जाती है। और सात्विकता का पलड़ा जब हल्का होता है तो डावाडोल हो जाता है। सारी जो यादगार है वो कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में कौए के रूप में पात्र बनाने वाली आत्माएं कौन सी हैं? जो पाँव पाँव करके गंद खाने वालों को इकट्ठा करती है,
बच्चा पूछा सुख भोगती है काग बिस्ता समान सिखवा क्या खाता है तो जो आई समाज वाले हैं वो ही आत्मा यज्ञ की सत्ता हाथ में ले लेती है बेसिक नॉलेज में और जब भोग लगाते हैं तो साकार में कौन माल खाते हैं सत्ता में बैठे हुए सत्ता भी से खावेंगे या साधन खावेंगे सत्ता भी से सारा माल हप कर जाते हैं पहले पहले उनको ही आमंत्रण मिलता है अभी भी यज्ञ में शासन करने वाला कौन सा वर्ग है जो बाहर की दुनिया में है वो ही अंदर की दुनिया में है जैसे बोला गांधी मरा राजकोट की तरफ कोई बड़े कांग्रेस की साहूकार के यहाँ जाकर जन्म लिया होगा तो जो बाहर की दुनिया का गांधी था वो कौन से वर्ग का था कांग्रेसी वर्ग का आर्य समाजी था ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में टैली होता है बाहर की दुनिया में जो होता है वो अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी हो रहा है कोई भी मर्दा ने कबर वो मुर्दा तो स्मशान में लेके जाते हैं ना कब्रिस्तान में तब वो ऐसा वो मोड़ देते पूरा शरीर को राम नाम करते हैं राम नाम करते हुए बोलते होगा इसका मतलब जब दुनिया का अंत होता है तो सारी दुनिया को पता रह जाता है सारे झूठे हैं कौन सच्चा है एक राम ही सच्चा है जो राम राज्य लाता है और बाकी तो सब रावण संप्रदाय बन जाते हैं तो राम नाम सत्य है ये अंत समय की गायन है और मुर्दे को शमशान घाट में जब ले जाते हैं शमशान घाट में पहुंचते ही पांव शहर की ओर कर देते हैं और सर शमशान घाट की ओर कर देते हैं तो ये दुनिया भी जैसे शमशान घाट है अभी दुनिया की बुद्धि बदलने वाली है नहीं बदलेगी तो धर्मराज के दंडों से बदल जाएगी सबकी बुद्धि में बैठेगा कि अब परम धाम घर वापस जाना है बुद्धि कहाँ लगानी है परम धाम घर की ओर बुद्धि लगानी है और ये दुनियादारी का जो शहर है उसको लात मारनी है जैसे कृष्ण पहले पत्ते के लिए चित्र में दिखाया है हाथ में सरक का गोला मन बुद्धि रूपी हाथ में सरक का गोला और पांव में नरक का गोला और बाबा सत्यनारायण का मंदिर दिल्ली में है क्या बिरला मंदिर है शहर शहर में बने हुए हैं उसमें जो नर नारायण का मंदिर है वही तो सत्यनारायण का मंदिर है नाम से मंदिर जब सत्य तैयार हो जाता है तो मंदिर बनाने की दरकार नहीं रहती है एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा और मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब टूट जाएंगे मंदिर है तो है
मंदिर में तो सत्यनारायण का मंदिर है तो जब संगम युग होता है तो उन्होंने भी बना दिया। आगरा में बहुत फेमस मंदिर है सत्यनारायण का मंदिर, उसमें एक तरफ उनका पत्नी लक्ष्मी एक तरफ शंकर का मूर्ति बिठा है, बहुत पुरानी। कहाँ है? रावण को तो जलाना, नाथ को तो जोधपुर में रावण को तो पूजा भी देना। कहाँ? जोधपुर में। अभी भी बहुत पूजा कर रहे हैं। नाम क्या है उस पुर का? युद्धपुर नाम है या योगपुर नाम है? तो युद्ध करना अच्छा है या याद करना अच्छा है? याद करना अच्छा नहीं है? याद करना अच्छा है और युद्ध की स्टेज में रहना अच्छा नहीं है। जो आत्मा संगम युग में युद्ध की स्टेज में रहते रहते शरीर छोड़ती है वही युद्धपुर की वासी है। जरूर रावण की पूजा की होगी, ऊंचे ऊंचे बाप को भूल गए होंगे और देवदारी गुरुओं को पकड़ लिया होगा, उनको बाहुबल की लड़ाई लड़ना ही सिखा देंगे। बाबा टीवी में लाइव इंटरव्यू चल रहा है, बाबा का ऐसा पूरा दुनिया देख रहे हैं, लाइव टीवी इंटरव्यू चैनल में। मैं तो बोला है एक दिन टेलीविजन में भी तुम बाप को देखेंगे कि बाप मुरली चलाए रहे हैं, उनकी आवाज भी सुनेंगे। जैसे आजकल चैनलों में आता है बड़े बड़े नेताएं तुरंत का तुरंत भाषण करते जाते हैं, तुरंत का तुरंत 15 अगस्त को टीवी में डायरेक्ट समाचार आता जाता है। कोई बड़ी बात हो गई क्या? जब प्रत्यक्षता होगी तो टीवी में भी होगी, रेडियो में भी होगी, इंटरनेट में भी होगी। अभी कैसे कर सकता है? उसका लड़का तो टीवी चैनल पे एक भाई को जानते हैं, ये भाई को टीवी चैनल में है ना, पहले खुद तो समझे। समझा रहे बता रहे, जब खुद नहीं समझेगा तो डालेगा कैसे? उसके ऊपर भी तो कोई और सरपरस्त है, उनको क्या समझा देगा? पहले तो 7 दिन का कोर्स करना पड़ता है ना जी, कोर्स भी करे फिर पोस्ट भी आए। और बाबा अभी मुरली में आए ना है, मुरली में पता है ना बहन राखी बांधती है पैसों के लिए, तो ब्राह्मणों को समय कुछ भी नहीं देते थे राखी बांधने। ब्राह्मणों को यहाँ ब्राह्मण कौन है, साकार है या निराकार? उसको तो विश्व की वार्ता ही मिलती है, थोड़ी थोड़ी शब्द ही मिलती है, तो विश्व की वार्ता ही हो गई ना। खेद हो जाता है तो सब निकल जाता है। ब्रह्मा की सोच जब गुजरात आदि में प्रवेश करती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश करती है, लेकिन जब वही सोल प्रजापिता में प्रवेश करती है तो बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती है, तो फिर वो सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है? बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती है ना, जब परम नाम में आत्मा जाती है तो सूक्ष्म शरीर कहाँ चले जाते हैं? वो तो स्टेज की बात है। हाँ जी, तो ऐसे ही जैसे हमारी अवस्था बनती है साकारी
आकारी और निराकारी। जब निराकारी बनती है तो आकारी स्टेज कहाँ चली जाती है? मध्य हो जाती है। जैसे कोई साकार शरीर छोड़ता है तो साकार शरीर की आकृति तो वही रहती है, सूक्ष्म शरीर वैसा ही दिखाई पड़ता है ना, कि आकृति बदल जाती है, वैसी ही आकृति रहती है। तो साकार शरीर काय में मर्ज हो गया, सूक्ष्म शरीर में मर्ज हो गया, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में मर्ज हो जाता है। पर एक मंदिर में आया, तुम कोई भी काम करने के लिए कभी मांगो मत। किसी सेवा करके किसी को बोल रहे वो भी मांगने मत करते हैं। सहज मिले तो दूध सम, मांग लिया तो पानी। तो पानी की दुनिया बनानी है या क्षीर सागर बनाना है? क्षीर सागर बनाना है। मांग मांग करके मेहरबानियां इकट्ठी करी कर ली तो स्वर्ग नहीं बनेगा, पानी की तरह बह जाएगा। कुछ भी हो, बेसमझी हो तो समझा दे, कोई बेसमझी है तो समझाना पड़ता है ना, ऐसा करो। हाँ बोलना भी पड़ता है, किसी को पता ना सेवा करना है तो हम बोलना भी पड़ता है कि मांगना होता है। मांगना बात अलग, इस भाव में मांगना आता है, और समझाना बात अलग। सबसे जाती समझाता कौन है? वो मांगता है आकर पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। नहीं मम्मा शरीर तोड़ दिया ना, उसके बारे में आया। शरीर जब तक होता है तो बंधन होता है, शरीर का बंधन छूट जाता है तो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। बहुत कुछ समा बंधन नहीं, तो बताया वो उड़ गया कि मम्मा मम्मा जो मम्मा के पीछे देहधारी के पीछे लगे हुए थे वो सब टूट पड़े तो उल्टे हो गए ना। मम्मा ने उनको कुछ सहयोग किया क्या? लौकिक दुनिया में भी मेरे संबंधी मेरे 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 करते रहते हैं, लेकिन संबंधी शरीर छोड़ जाता है तो कोई को याद करता है क्या? कोई को याद नहीं करता। कोई भी 16,000 एक तो बार राजाओं को परिवार का अंदर भी आने दीजिए। 16,000 एक तो बार राजाओं को परिवार में आते हैं। 16,000 पैसा के अंत तक संख्या पूरी होती है, जो राज परिवार के अंदर जन्म लेने वाले हैं उनकी। द्वापर की माला थोड़े ही है। हाँ द्वापर में वो आत्मे जाएंगी
परंतु पुरुषार्थ करने की रफ्तार उनकी वो ही रहेगी जो उन्होंने संगम युग में धारण की है। जिन्होंने माला में आने का पुरुषार्थ किया है वो वहां भी संगठित होते रहेंगे, संगठित करते रहेंगे। जिन्होंने यहाँ माला में से संगठन में से छिटकने का पुरुषार्थ किया है, भागने और भगाने का पुरुषार्थ किया है, वो वहां भी भागते रहेंगे और भगाते रहेंगे, भारतवासियों को धोखा देते रहेंगे। द्वापर कली में अनेक राजा ही मारते हैं ना, फिर उनके हमको शूटिंग करते हुए चला गया। द्वापर कली में अनेक देशों में भारत में बहुत राजा है, फिर उन लोग ऑपरेशन करती है राजा। वहाँ कोई राजा बनने की पढ़ाई होती है क्या? कंट्रोलिंग के संस्कार कोई भरता है क्या? ये कंट्रोलिंग करने के संस्कार, स्वाधीनता के संस्कार आत्मा में कहाँ भरे जाते हैं? संगम युग में भरे जाते हैं। 21 जन्म के संस्कार बाप आकर के भरते हैं, और 21 जन्म के आधार पर जो प्रैक्टिस पड़ जाती है वो प्रैक्टिस का मात्रा द्वापर युग से कलयुग तक चलता रहता है। कोई में ऐसा मादा होता है कि एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके सिपाही से सम्राट बन जाता है। माना कि राम वाले आपको पता भी माना जाता है इतना, और भी बहुत राजा है, माना वो भी सच्ची जैसा में आने वाले ही राजा बनेंगे। भारत के राजा हैं, भारत का राज परिवार है, और विदेशों में तो बहुत से राजाएं होंगे, उनको कोई भगवान बाप आकर के थोड़े ही पढ़ाते हैं। वो अपने धर्म पिताओं से पढ़ाई पढ़ते हैं, संगम युग में उनके कंट्रोल में ही रहते हैं, परंतु वो स्वर्ग में नहीं आते। बाबा सम्राट आत्मा ये राजा बनते हैं ना, जो सम्राट आत्मा ये जन्म जन्मांतर आता है ना राजा है, तो वो सिर्फ भारत की राजा ही है, तो भारत की राजा की बात कहानी है। तो विदेश की राजा है ये सम्राट में नहीं आते, उनकी 108 की माला होती है क्या? उनकी भी माला तो होती है लेकिन 108 की माला नहीं होती है। बाबा ने कहा है जो सब अलग अलग माला बनाएंगे, वो भी यहाँ के बाप जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं यहाँ के, वो ही आकर के फिर आपके तरीके की माला तैयार करते हैं। राजा है तुझे सारी दुनिया में राजा ही बने ना, ये तो संस्कार कहाँ से बड़ा है, ये संस्कार कहाँ से बड़ा है, तो इधर इसे हो गया। दुनिया में जो राजाएं बने हैं, विदेशों में जो राजाएं बने हैं, वो विदेशी संस्कृत से प्रभावित होकर के बने या भारतीय संस्कृत से प्रभावित होकर के बने? बस उन्होंने पढ़ाई दूसरों से पढ़ना शुरू कर दी। माना ये समाज आत्मा जो है जब राजा बनेंगे तो भारत में ही बनेंगे, भारत के राजा है, तो इनका भी जब लेकिन संस्कार अलग अलग होते हैं। बहुत से राजाएं ऐसे होते हैं जो विदेशों से बहुत ही प्रभावित हो गए। तो आजकल उसमें होता है ये सौ आठ के नहीं आते होंगे, बारह बारह के ग्रुप है, बारह बारह के नौ ग्रुप है, तभी तो माला बनती है। उन नौ ग्रुप में से जो मुखिया है वही तो रतन है। कोई हीरो की माला है बारह की, कोई माणिक की माला है, कोई पन्ना की माला है,
कोई मूंगा की माला है, अलग अलग ग्रुप है अलग अलग धर्मों के। राजा है वाजा। हाँ जी, ब्राह्मणों की 9 कुलियां हैं, तो 9 प्रकार की देवताएं भी हैं, 9 नारायण भी हैं, हर एक की अपनी अपनी डायनेस्टी, अपने अपने प्रकार की प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। मतलब ये 108 आत्माएं जो है वो कभी भी विदेश में जाकर राजा नहीं बनेगा, भारत में ही विदेशी आकर के विदेशीयता के संस्कार छोड़ देते हैं, भारतवासियों को ही विदेशियों का संग का रंग लगता है। हाँ। तो विदेशी जैसे बन जाते हैं। कोई ग्रुप ऐसा भी होता होगा जो विदेशियों से अंत तक भी प्रभावित नहीं होता, लेकिन आखिरी जन्म में आकर के माया साहब को लोड़ा खिलाई देती। सुबह में ही ऐसा अलग अलग हो। हाँ जी, ये माया का ही तो पसारा कहेंगे कि विदेशियों के आक्रमण हुए और भारत के राजाएं आपस में लड़ते मरते रहे। जानते थे कि हम बिखरे हुए हैं तो हमारी शक्ति छीण हो चुकी है, अगर इकट्ठे हो जाए तो हम मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुकाबला नहीं कर सकते। माता जी पूछ रही है, संगमे का रचना का जोड़ी होता है ना, वो अंत तक वही जोड़ी रहेगा जो आज में सो अंत में, ये नहीं का अंत तक जोड़ी ही रहती है। आज में जोड़ी है तो अंतिम जन्म में भी वो जोड़ी प्रत्यक्ष होती है, बदलते जाते हैं 21 जन्मों के बाद। निराकारी का लगाओ एकदम उत्थान करेगा, और देहधारी का लगाओ एकदम सत्यानाश करेगा। बाबा आगे बाबा मुरली में भक्ति जितना कम करते हैं उतना ज्ञान भी कम उठाते हैं, और जितना ज्यादा करते हैं ज्ञान भी ज्यादा उठाते हैं, ऐसा कहा ना। और जो अभी कई आत्माएं ऐसा है भक्ति ज्ञान में आते हुए भी भक्ति संस्कार बने हैं, तो उसको भक्ति संस्कार पूरा होने के बाद तो वो ज्ञान लेगा, जैसे वो पूरा भक्ति करते करते सीढ़ी पूरी तरह से नीचे उतरना है ना, उतरने के बाद भी तो वो उनको ज्ञान मिलेगा। तो जब उसको ज्ञान का फल मिलने के लिए तो अंत तक वो भक्ति करते रहे तो ज्ञान का फल कब मिलेगा, तब तक विश्व परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ ज्ञान देने है वहाँ भक्ति रात का नाम निशान नहीं, और जहाँ भक्ति की रात है भोर अंधेरी, वहाँ ज्ञान दिन का नाम निशान नहीं। ज्ञान का प्रकाश जब हो जाता है तो आत्मा दुखी नहीं हो सकती, इसका मतलब अभी दुखी और सुखी दोनों प्रकार के वाइब्रेशन चल रहे हैं, या सिर्फ सुख के ही सुख के वाइब्रेशन चलते हैं, इसका मतलब सभी के अंदर कुछ न कुछ भक्ति के संस्कार है। वो पूरा होने के बाद उसका फल मिलेगा। हाँ जी बाबा, जिनको जिनको राहत मिल जाए। हाँ जी,
दिल जहाँ अटक जाता है तो उसके साथ बैठने में उसको मजा आता है, औरों के साथ बैठने में मजा नहीं आएगा। और जिसका दिल कहीं भी नहीं अटकेगा उसे कोई भी मजा नहीं आएगा। राजाई भी एक जैसी और कंगालियत भी एक जैसी। राजाई में होगा तो भी एक को याद करेगा और कंगाल का जीवन बिताएगा तो भी एक को याद करेगा। पशु पक्षी हो उनका भी दिल जानता है कि कौन हमारा सहयोगी है, हितैषी है और कौन हमारा दुश्मन है। यहाँ फिर अल्पकाल और दीर्घकाल की बात है। जो अल्पज्ञ है वो अल्पज्ञ को पकड़ लेते हैं, राहत मने जैसे अकाल पड़ता है तो सरकार राशन की दुकानें खोल देती है तो थोड़ी राहत मिलती है, थोड़ा सुख मिल जाता है, थोड़ा ढाढ़स बन जाता है। नहीं अरे दिल भी तो कोई छोटा होता है, कोई बड़ा दिल होता है, ये सब दिल एक जैसे होते हैं। एक दिल वाला बाप होता है तो ज्यादा राहत कहाँ मिलेगी। दिल लगने की बात है, दिल लगी गधी से दो परी क्या चीज है। दिल लगी गॉड से दो परी क्या चीज है, वो ऐसी बात नहीं होती है, ऐसा गायन भी नहीं है। बाबा अभी तो वाणी में बाबा ने कहा है महारथी जब गलती करते हैं तो उस समय उसको महारथी कहते हैं क्या नहीं, तो फिर उस समय महारथी समझ करके उन लोगों को दूसरे लोग फॉलो करते हैं तो महारथी समझ करके वो महारथी का नाम को क्यों कलंक लगाते हैं, ऐसा पूछा है। ठीक है, महारथी नहीं है उस समय इसी तरह से शूटिंग के हिसाब से कहा गया है। जब हम सत्व प्रधान रहते हैं सत्य त्रेता युग का शूटिंग हो रही है, जब गलती करते हैं या तो द्वापर का युग का शूटिंग हो रही है। थोड़े ही गलती करते हैं, मन से गलती करता है मनुष्य माने मन वाला। मन होता है चंचल, चंचलता होती है तो गलतियां होती है, भूले होती है। देवता है तो जितेंद्रिय होते हैं, सबसे बड़ी इंद्रिय है मन। मन के आधार पर सब इंद्रियां काम करती हैं, सब इंद्रियों का राजा है मन। मन को जीत लिया जगत को जीत लिया। फिर मन रूपी ब्रह्मा कहा है ना,
तो ब्रह्मा ही तो सबसे ज्यादा बड़ा घोड़ा है, उसी को तो लगाम लगानी है। ठीक है बाबा, तो उसी के ऊपर भी शंकर बुद्धिमान बुद्धि शंकर को जब बिठाया तो फिर सब लोग मन की लता में क्यों आ जाते? शंकर जी जो सबका बाप है मनुष्यों का, वही अगर चंचलता में आ जाए और उसको याद का पुरुषार्थ करना पड़े तो संपन्न है या असंपन्न है? बिना ये हुआ जब तक शिव शंकर एक नहीं कहला जाएंगे तब तक ये चलते रहेंगे। इस बात तो है कि शंकर जब एक हो जाए तो तभी तो एक हो जाए जब शंकर शिव समान बन जाए। शिव समान नहीं है इसका मतलब घोड़े पर सवार नहीं है, छलांग लगा के बैल पर चढ़ते हैं, मन हाई जंप नहीं लगेगी तब तक कंट्रोल नहीं होगा। मुरली ने बोला है कि मैं 84 जन्म के अंत में आता हूँ, तो 84 जन्म जन्म तो हो गया 1936 जी, फिर उसका एक अंत हो गया 76 ठीक है, फिर दूसरा अंक कौन? लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ है? लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 5000 वर्ष हुए, कब हुआ? 76 तो उसे एक्स्ट्रा आर्डिनरी पहला जन्म कहेंगे या 84वें जन्म का अंत कहेंगे? दोनों का ही मेल है, 74 जन्म का अंत और पहले जन्म की शुरुआत। शत्रु का पार्ट है, शत्रु का जो पार्ट है हाँ गुरु का आ जाता है जो सदगति करके ले जाए, और सदगति कौन सी युग में होती है? नहीं, सदगति सक्त युग में ही हो सकती है। जब तक कलयुग है तब तक सदगति नहीं, कलयुग में है सब पतित, पतित दुनिया में होते हैं पतित, पतित ही पतित, एक भी पावन नहीं, और पावन दुनिया में होते हैं पावन ही पावन है। लेकिन संगम युग में भी स्वर्ण संगम युग है। हाँ जी, उसमें भी नहीं होता है क्यों नहीं होता है? उसका नाम स्वर्णिम कैसे पड़ गया? स्वर्ण कहते ही है सच्चे को। बाबा ये माता जी बोलते हैं, ये माता जी कहते हैं ये कब से एडवांस में आया तो बीके में जाना छोड़ दिया, तो बीके में जाता ही नहीं, फिर पांडव कैसे कहलाएंगे? मतलब बीके में जब तक जाते हैं तब तक पांडव हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने हैं, उनका कुछ नहीं करने है, वहाँ जाके धक्का देने से तो पांडव बनेगा, इसलिए कैसे पांडव बनेगा? तो दोबारा धक्का खाना शुरू कर दो, डबल पांडव बन जाओ। आधार नहीं होगा तो पौधा पैदा होगा क्या? नंबर 1 नंबर 2 उनको आए हैं क्या? नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 अरे 100% कोई होगा तो 99% भी कोई होगा।
तो नंबर वाला तो होते ही। तो बाबा पहले शिव शंकर होगा, बाद में लक्ष्मीनारायण होगा, बनेंगे। देवा शंकर नहीं होगा, शंकर शिव होगा। वही शंकर शिव होगा, शिव के गायन में तो शिव शंकर है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, भक्ति मार्ग में दोनों को मिला के एक कर देते हैं। हम तो नहीं कर देते एक, कि दोनों आत्मा एक है। हाँ, शंकर शिव समान स्टेज को धारण कर लेता है। लक्ष्मी नारायण सुने सबकी और माने एक बाप की है? करेंगे है? तो करना है ना, नहीं करेंगे तो क्या दिल हो जाओ उससे है? हम तुम्हारी बात क्यों माने है कि आप देखें एक बाप की बात माने, दूसरे कोई की ना माने? नहीं मानेंगे तो हटा देंगे। तो हटा दो, बाप ने तो नहीं हटा दिया। अरे कोई हमको चीज से हटा देता है तो हटा देने से क्या हमारा पद नहीं क्या हो जाएगा? निश्चिंत रहो न बाबा। बाबा क्लास करते समय शॉर्ट एंड में कल के सभी प्रिंट करने से अच्छा होगा है? अभी क्लास बाबा का क्लास चलते समय उसी समय शॉर्ट एंड निकल के उसी समय प्रिंट करने से अच्छा होगा। तो पहले भी होती थी प्रिंट? नहीं अभी क्या बोल रहा, पहले भी शॉर्ट एंड होता था। हाँ। शॉर्ट एंड हो करके फिर मुरली बाद में छपाई जाती थी। हाँ। हाँ। वही अभी एडवांस बाबा में एडवांस का जो बाबा का चल रहा है इस समय भी ऐसा शॉर्ट एंड निकलते सभी का सभी प्रिंट करने से अच्छा रहे। ज्ञान भी ततो प्रधान ततो सामान्य रजो और तमो होता है। जब साक्ष्य की स्टेज होती है तो बड़ी फास्ट गति से विचार निकलते हैं। उस समय शॉर्ट हैंड तो क्या लिखने पढ़ने वाले भी नहीं निकलते। जब साधन बढ़ते हैं तो साधना क्षीण होने लगती है, और जब साधन नहीं होते हैं तो साधना तीक्ष्ण हो जाती है। वो तो ठीक है, एक एक बात क्या होता है फिल्म में क्लास में हो या डिस्कशन क्लास में हो, हम सुनते समय जो प्रोनाउंसिएशन है वो समझ नहीं पाते। भाषा की थोड़ा डिफरेंस है ना, इसलिए समझ नहीं पाते। जब वो सीडी में या कैसेट में सुनते भी ये साथ में रहने से और अच्छा जो भी समझ नहीं सकते उसमें देख सकता। साथ में रहने से जब जो बात समझ नहीं सकता उसमें देख सकता है। जब कभी कभी दो तीन बार हम रिवेंट करके फिर डाला तो भी फिर समझ नहीं सकते वो बात क्या बताए। समस्या जिनको हिंदी भाषा नहीं आती है उनके लिए है या सबके लिए? हिंदी भाषा के वो भी ठीक है, फिर भी एक एक बात प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क हो जाता है।
जैसे बाबा कभी कभी दूसरी भाषा में भी मिसाल दे देते हैं, कभी कभी संस्कृत में भी दे देते हैं, कभी दूसरा भी लैंग्वेज एक एक वर्ड आ जाता है, तब हम वो प्रोनाउंसिएशन से समझ नहीं पाते। हिंदी में तो हिंदी भी मिक्स है बढ़िया से बढ़िया, और अंग्रेजी भी मिक्स है, उर्दू भी मिक्स है, और ऑल इंडिया के सभी वर्डिंग से मिक्स है। जब है ही शंकर जी की भाषा तो शंकर माना भाषा भी नहीं, इसीलिए साथ में लिखावट भी रहने से अच्छा है, साथ में लिखावट भी रहने से अच्छा हो। चाहिए चाहिए अच्छा अच्छा होने दोड़े स्टार्ट एंड लिख लो शुरू कर। हम तो हिंदी ही नहीं जानते, हम देखा जाते हैं। कृष्ण आते रहते हैं लेकिन इधर में शादी होता है समझ करके अंदर अंदर दबा लेते हैं, इसका हेटिंग क्या होता है? बड़ा बेधर्मी हो गया देखो, वो अपने को प्रोटेक्ट नहीं करता है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखाता है, ये तो शो करने वाली बात हो गई कि हम बेधर्मी नहीं है, हम तो सधर्मी है, और अंदर से पूरे पूरे बेधर्मी है। जो बात अंदर चल रही है और उस बात को बाहर निकाल के क्लियर नहीं करेंगे तो अंदर अंदर और ज्यादा घोटाला मचाएगी ना, तो वाइब्रेशन ज्यादा खराब होते रहेंगे। कहते हैं जो अंदर है वो बाहर निकालो, प्रश्नचित्त तो होना अच्छा है या प्रसन्न चित्त होना अच्छा है? प्रसन्न चित्त बनना है तो अंदर अंदर जो प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है वो बाहर निकाल देना चाहिए। बाबा कभी कभी हरमुन करते समय कॉन्सेंट्रेशन के लिए बाबा की गाना लगाना है, कर्मयोग करते समय है कभी कभी मन चंचल होता है तो उस समय कॉन्सेंट्रेशन के लिए बाबा का गाना लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, लेकिन अंदर कोई कोई ये भाव आए कि अरे कोई क्या कहेगा, बाबा ने तो कहा है कि जब अंदर की चंचलता आए हालत खराब हो तो गाना लगाना चाहिए, तो लोग समझेंगे अरे इनकी हालत बहुत खराब हो रही है। समझ लेते हो, समझ लेते और हमारा खराब बाहर निकलेगा। बेसिक नॉलेज की जब पढ़ाई चल रही थी तब तक तो ये बात ठीक थी क्या? नहीं याद करने का समय, जब हालत खराब होती है तो अच्छे अच्छे गीत लगा लेना चाहिए, लेकिन अभी तो फाइनल पेपर होने जा रहे हैं, अभी भी अगर ऐसी स्टेज बनेगी तो क्या हाल होगा? चौबीस घंटा एक ही कॉन्सेंट्रेशन में तो नहीं, सब एक जैसे हो रही है। कोई कोई ऐसे भी होता है अगर प्रश्न पूछे तो अपने को प्रत्यक्ष कहाँ होता है समझ करके देख रहे हैं पूछने के लिए बोलते हैं, ऐसा उनका शूटिंग क्या होता है? अभी तो उसका जवाब दिया, दूसरों को पूछने के लिए बोलते हैं ना बाबा, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्टेज में रहकर के हम पूछेंगे तो हमें दूसरों से क्या मतलब, दूसरे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, कहने वाले कहते हैं, हमको अपनी सफाई करनी है तो अपने अंदर का कचरा निकाल के हम बाहर सागर में डाल देते हैं। पूजा करते हैं तब पर्दा नहीं लगाते, जब भोग लगाते हैं तो पर्दा लगाते हैं। वो भोग का अर्थ उन्होंने उल्टा समझ लिया है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो सब स्थूल बातें उठाते हैं या सूक्ष्म बातें उठाते हैं, स्थूल बातें उठाते हैं, वो समझते हैं भगवान कोई स्थूल भोग खाता होगा। अरे भगवान पतितों को पावन बनाने के लिए आता है या तुम्हारा लड्डू पेड़ा खाने के लिए आता है?
पतित बनते ही है काम विकार से। क्रोधी को पतित कहा जाता है या कामी को पतित कहा जाता है? कामी को पतित कहा जाता है। वो भोग लगाने की बात है, उसमें पर्दे की बात होती है। बाकी लड्डू पेड़ा खाने के लिए पर्दा लगाने की क्या दरकार? अरे भगवान आप भोगता है कि भोगता है? तो बात ही नहीं है।